हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो में ओके गाइस, तो अभी के वीडियो में हम बात करने वाले इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में। ओके गाइस, तो अभी के वीडियो में हम बात करने वाले न्यू मिस्ट्री शॉप के बारे में जो कि हमारे गेम में कल के दिन आने वाला है। और न्यू मिस्ट्री शॉप में हमें कौन कौन सा रिवार्ड्स देखने को मिलने वाला है, अभी के इस वीडियो में हम उसी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। ओके गाइस, तो कल के दिन जो हमारे गेम में न्यू मिस्ट्री शॉप आएगा, अगर आप लोग उसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो फिर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा। और जिस मिस्ट्री शॉप में मिस्ट्री शॉप का जो मेन बंडल होने वाला है, मेल का और फीमेल का, जो कि विंटरलैंड इवेंट के थीम पर बना हुआ है, वो दोनों बंडल तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। जैसे कि देख लीजिए, ये फीमेल का बंडल होने वाला है और उसके बाद ये होने वाला है मेल का बंडल, जो कि विंटरलैंड इवेंट के थीम पर बना हुआ है। और इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारा रिवार्ड्स है जो कि हमें देखने को मिलने वाला है हमारे मिस्ट्री शॉप में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को एक इमोट देखने को मिल जाएगा और ये इमोट हमें इंडियन सर्वर में फ्री में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मिस्ट्री शॉप में देखने को मिलने वाला है इंडोनेशिया सर्वर में। और उसके बाद हमें जो है करेक्टर के स्किल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हुकोंग का करेक्टर का स्किल का स्किन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो भी आप लोगों को परमानेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसे भी आप लोग लिमिटेड टाइम के लिए ही परचेस कर सकते हो। मैक्सिमम आप लोग 30 डेज के लिए परचेस कर सकते हो और मिनिमम 1 डेज के लिए आप लोग परचेस कर सकते हो। और उसके बाद टाटा सुया का स्किल का स्किन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और ये भी परमानेंट नहीं मिलेगा। ये भी आप लोगों को मैक्सिमम 30 डेज के लिए ट्रायल करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क का भी करेक्टर का स्किल का स्किन देखने को मिल जाएगा और इसे भी आप लोग मिनिमम 1 डेज के लिए और मैक्सिमम 30 डेज के लिए परचेस कर सकते हो। और उसके बाद कल के मिस्ट्री शॉप में हमें विंटरलैंड रॉयल वाउचर भी देखने को मिल जाएगा, जिसका कि यूज हम टोकेंटिंग इवेंट में कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो हमारे गेम में 2-2 टोकेंटिंग इवेंट आया हुआ है, उसी में हम कर सकते हैं, जिसमें कि हमें हाइपर बुका रिवार्ड्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 30 वाउचर परचेस कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को ईओ गन के टोकन का कैरेट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख लीजिए, ये होने वाला है शॉट गन के ईओ गन का टोकन का कैरेट। अगर आप लोग ये कैरेट परचेस करते हो तो आप लोगों के पास जो भी शॉट गन का ईओ स्किन है, उसमें से आप लोग, मतलब कि जिस भी शॉट गन का ईओ टोकन आप लोगों को चाहिए, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो इस कैरेट से। और यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 40 कैरेट परचेस कर सकते हो। बाकी गाइज, एक कैरेट आप लोगों को कितने डायमंड में परचेस करने को मिलता है, ये तो आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है मिस्ट्री शॉप में। और उसके बाद अभी के टाइम में जो बुयापा सीजन 12 चल रहा है, इसका भी आप लोगों को टोकन्स देखने को मिल जाएगा, मतलब कि टोकन का कैरेट देखने को मिल जाएगा। और आप लोग यहां से 20 कैरेट परचेस कर सकते हो। और आप लोगों को नेम चेंज कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम आप लोग 3 पीस नेम चेंज कार्ड परचेस कर सकते हो। और उसके बाद हमारे गेम में जो गैलेक्सी हाइपर बुक है, उसका भी आप लोगों को टोकन्स का कैरेट परचेस करने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास गैलेक्सी हाइपर बुक है तो आप लोग यहाँ से ये कैरेट परचेस कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ से आप लोग 20 कैरेट परचेस कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को रैम्पेज हैपर बुक का भी कैरेट देखने को मिल जाएगा और ये भी आप लोग 20 मैक्सिमम परचेस कर सकते हो। और उसके बाद अभी के टाइम में जो हमारे गेम में न्यू हैपर बुक आया हुआ फ्रॉस्ट फायर हैपर बुक, इसका भी टोकन का कैरेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसका भी और ये कैरेट भी आप लोग मैक्सिमम 20 ही परचेस कर सकते हो। और उसके बाद इस वाले मिस्ट्री शॉप में आप लोगों को लोल इमोट भी देखने को मिल जाएगा, तो जिसके पास लोल इमोट नहीं है उसके मिस्ट्री शॉप में आप लोल इमोट देखने को मिलेगा, और जिसके पास मिस्ट्री शॉप ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके मिस्ट्री शॉप में लोल इमोट देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को एक स्कल का स्किन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि विंटरलैंड इवेंट के थीम पर बना हुआ है। बाकी गाइस, इनक्यूबेटर वाउचर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, जो कि कॉमन है, हर एक मिस्ट्री शॉप में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 50 इनक्यूबेटर वाउचर एक्सचेंज कर सकते हो। और एक इनक्यूबेटर वाउचर आप लोगों को कितना डायमंड में मिलता है, ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है। और उसके बाद आप लोगों को ये रेड वाला रॉयल वाउचर भी देखने को मिल जाएगा, जिसका कि यूज़ आप लोग अभी के टाइम में जो हमारे गेम में न्यू ईवो बंडल आया हुआ फ्रॉस्ट फायर ईवो बंडल, उसमें स्पिन करने के लिए कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 20 ही वाउचर परचेस कर सकते हो, उसके अलावा आप लोग और वाउचर परचेस नहीं कर सकते। और उसके बाद आप लोगों को AR ईवो गन के टोकन का कैरेट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप लोग ये कैरेट परचेस करते हो तो आप लोगों के पास जितना भी AR गन होगा, मतलब कि उनमें से आप लोगों को जिस भी गन का टोकन चाहिए, जिस भी AR गन का टोकन, वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसे ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने सभी ईओ, मतलब कि सभी AR ईओ गन का टोकन का कैरेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को जो भी कैरेट लेना होगा, यहाँ से आप लोग चूज करके वो ले सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को SMG ईओ गन का टोकन का कैरेट भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे गेम में जो ईओ बंडल है स्कॉर्पियो ईओ बंडल, उसका भी टोकन का कैरेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम आप लोगों को 20 कैरेट परचेस करने को मिल जाएगा यहाँ से। और उसके बाद हमारे गेम में जो रियोन स्टोन हैपर बुक है, उसका भी आप लोगों को टोकन का कैरेट देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम 20 कैरेट परचेस कर सकते हो। और उसके बाद हमारे गेम में जो और ईवो, मतलब कि ईवो बंडल है गैलेक्सी ईवो बंडल, उसका भी आप लोगों को टोकन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को एक ड्रैगन का स्किन भी देखने को मिल जाएगा, परमानेंट सस्ता वाला ड्रैगन का स्किन। इसमें नहीं लगता है कि कोई अच्छा एट्रीब्यूट्स भी होगा और ना ही एनिमेशन होने वाला है, शायद से सिर्फ कलर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप लोगों को एक और इमोट देखने को मिलने वाला है टेक्नो ब्लास्ट, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी रेयर इमोट होने वाला है, क्योंकि इस इमोट पे बहुत सारा रील्स भी बनता है और आप लोगों को तो पता ही है कि ये कौन सा इमोट होने वाला है। तो गाइज, अगर मेरे पास डायमंड रहा तो हम ये इमोट जरूर से परचेस करेंगे।
और उसके बाद आप लोगों को एक फेस मास्क भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये सब रिवार्ड्स था जो कि हमें मिस्ट्री शॉप में देखने को मिलने वाला है कल के दिन। ये सब तो मेन मेन रिवार्ड्स था जिसके बारे में अभी हम बात किए हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को अदर अदर कैरेट्स देखने को मिलेगा जिसमें कि लक पे डिपेंड करता है आप लोगों को मिलता है या नहीं। तो गाइज इंतजार कीजिए कल के दिन आप लोगों को देखने को मिलने वाला मिस्ट्री शॉप। वैसे गाइज आज 21 दिसंबर है ना, हाँ 21 दिसंबर या मतलब कि कल के दिन मतलब 22 दिसंबर को आप लोगों को देखने को मिलने वाला है मिस्ट्री शॉप। तो गाइज अभी किसी रूम में नहीं था तो मिलते नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक लिए बाय बाय।